हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज इस वीडियो में अपन जो बात करने वाले हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, और जो अपना टॉपिक है वो नॉर्मली है फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ द बेंजीन एंड द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये होगा कि अगर आपको मैं ऑर्थो जाइलिन देता हूँ तो उस ऑर्थो जाइलिन को फोटोकेमिकली रीअरेंज करके मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन में किस तरफ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें कौन से इंटरमीडिएट यूज़ होंगे वो भी बताएंगे, और इसको किस तरह से कौन सी मैकेनिज्म या कौन सा सिफ्ट जो है एल्किल समूह सिफ्ट है या जो है वो किस तरह से करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं बात करता हूँ बेंजीन की जो अलग अलग एक्साइटेशन स्टेट होती है, अलग अलग वेवलेंथ पे बेंजीन जो है अलग अलग एक्साइटेशन स्टेट शो करता है, और अलग अलग एक्सटेंट शो करने से उनके जो प्रोडक्ट मिलते हैं एज अ इंटरमीडिएट वो भी ये अलग अलग मिलते हैं। ऑलराइट, एज अ बाई रेडियल, राइट। सो अगर मैं बेंजीन के बारे में बात करता हूँ, सपोज ये अपने लिया बेंजीन, और इस बेंजीन का इसको अपन इरेडिएशन करते हैं एट अ वेवलेंथ लैम्ब्डा जो लेते हैं 254 नैनोमीटर। ओके, तो अगर आप बेंजीन को 254 नैनोमीटर पे करते हैं तो इसको अपन एक तरह का S1 भी कह सकते हैं कि भाई ये इसकी जो एक्सेलरेशन जो है वो आपकी S1 एक्सेलरेशन है, राइट। तो इसकी फर्स्ट एक्सेलरेशन स्टेट जो है अपन ने S1 ले ली है, और ये इसमें किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो नॉर्मली इसमें कुछ नहीं होगा नॉर्मली। तो अगर बेंजीन रिंग को 254 नैनोमीटर पे एक्सेलरेशन करते हैं, इरेडिएशन करते हैं, तो नॉर्मली आपका बेंज वैलेंस करके कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, और उसका फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, इसके अंदर एक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है 1-3-1-3 बॉन्ड फॉर्मेशन। अब 1-3 मतलब लाइक जैसे अगर आप ये 1-2 और 3 लेते ये बॉन्ड होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1-2-3-4-5 and 6। तो ये 1-3 बॉन्ड फॉर्म मतलब ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये किस तरह से होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे नॉर्मली क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, सो ये जो है इसका फ्री रेडिकल से बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन 1 नंबर पे और एक इलेक्ट्रॉन आपका 2 नंबर पे। इसी तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन 3 नंबर पे और इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका 4 नंबर पे, और 1 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है और 3 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और ये जो नॉर्मली है वो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक फ्री रेडिकल रह गया यहाँ पे और दूसरा फ्री रेडिकल रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, और बाकी जो है ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा, तो इस तरह से यहाँ पे अपन को ये बाई रेडियल देखने को यहाँ पे मिलता है, दैट इज 1-3 बाई रेडियल, 1-3 बाई रेडियल। ओके, तो ये 1-3 बाई रेडियल मिल गया। अब इस 1-3 बाई रेडियल से ही अपन फाइंड कर सकते हैं बेंज वैलेंस, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब नॉर्मली होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, और वो जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड के थ्रू अपन को जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट ही बेंज वैलेंस होता है। तो ये कुछ आपको इस तरह से ये बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये बॉन्ड था ही और एक और बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। तो ये आपका आ गया बेंज वैलेन। अब ये जो बेंज वैलेन है ये आपका फोटो आइसोमराइजेशन ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। देखिए, और इससे जो है अपन फुलविन भी बना सकते हैं, फुलविन फॉर्म कर सकते हैं। अब फुलविन किस टाइप से फॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए इसकी ये फर्स्ट एक्सेलरेशन स्टेट है। अब ये जो बाई रेडियल है, अब इसी बाई रेडियल से अपन इसको और एक इसको फॉर्म कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो देखिए ये जो है इस टाइप से, ऑलराइट right? ये मैंने कंपाउंड किया है, मान लो ये कंपाउंड है, तो यहां पे लिख देना आप फ्रॉम ए कंपाउंड। वापस मैंने ये कंपाउंड लिया, ठीक है। इसके ऊपर मुझे हाइड्रोजन फॉर्म करना पड़ेगा। ओके,
फ्रॉम ए कंपाउंड एंड ए कंपाउंड आपका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, ओके फाइन ओके। सो नाउ यहाँ पे भी अपन एक हाइड्रोजन शो कर सकते हैं क्योंकि हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन तो का हो गई ऑब्वियसली। अब ये जो है इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन का है वन टू हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और वन टू हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के आपस में रीअरेंजमेंट होकर के एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसको अपन बोलते हैं फोल्विन के नाम से। ऑलराइट, चलिए किस तरह से फॉर्म होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली होगा क्या, वन टू हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ठीक है, और उस वन टू हाइड्रोजन शिफ्ट के थ्रू अपन को यहाँ पे ये देखने को मिलेगा किस तरह से। देखो इसमें नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन से फ्री रेडिकल की फॉर्म में ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यू का यू आ जाएगा और ये इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये इलेक्ट्रॉन आपस में बाइंड होकर के एक तरह का न्यू यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और ये कुछ कंपाउंड्स मुझे ऐसा देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, लाइक दिस, देखो ये तो ऐसा कैसा फ्री रेडिकल डबल बोन ऐसा गया था, एक रेडिकल यहाँ पे आ गया है एंड दो जो है हाइड्रोजन यहाँ पे बाइंड हो गए हैं, इसका फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को बाइंड करने में यूज हो गया। ऑलराइट ओके फाइन। नाउ ये जो है नॉर्मली इसका जो ये जो वन टू बॉन्ड इसको कह सकते हैं, जो ये बॉन्ड है वन टू इसको इस तरह से आप लिख दो बोले राइट। सो ये वन टू बॉन्ड है ये नॉर्मली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो इसी बॉन्ड इस बॉन्ड के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स है, वापस वो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, इस वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड को फॉर्मेशन कर लेंगे एंड द फाइनल प्रोडक्ट गिव लाइक दिस राइट। और ये जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा राइट। तो इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, C1 C2 राइट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, एक तो हो रहा है C2 C3 और एक आपका हो रहा है C1 C6। ये जो है इतने आपको यहाँ पे देखने को कंपाउंड्स इतने आपको यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्मेशन करते हैं। तो नॉर्मली ये जो कंपाउंड है मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड कुछ इस तरह से ये। ऑलराइट, और इसको अगर मैं सही ढंग से रीअरेंजमेंट करके शो करूँ तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा जिसको अपन बोलते हैं फुलविन करके, इसको अपन यहाँ पे देख सकते हैं राइट। सो ये आपने देखा कि नॉर्मली जब बेंजीन को इरेडिएशन करते हैं एट द वेवलेंथ ऑफ द 254 nm तो ये कुछ आपको बेंजवेलन एंड द फुलविन अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स इंटरमीडिएट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं और ये जो बेंजवेलन है इससे ही अपन को अलग अलग शिफ्ट देखने को मिलेगा, आई मीन बेंजीन का जो आइसोमेराइजेशन है अकॉर्डिंग टू फोटोकेमिस्ट्री वो अपन को यहाँ पे इसके इस कंपाउंड के थ्रू अपन को देखने को मिलेगा राइट। और सेकंड थिंग इज दैट इफ द बेंजीन इरेडिएशन एट द वेवलेंथ ऑफ द 205 अगर 205 नैनोमीटर पे भी अगर अपन इसका एक्सेलरेशन करते हैं तो भी एक अपन को अलग टाइप का कंपाउंड मिलता है तो उसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेंजीन का 254 नैनोमीटर पे एक्सेलरेशन करने पर किस तरह से ये कंपाउंड आपको फॉर्म होते हैं। इसमें दो कंपाउंड मेन है, एक तो है आपका बेंजवेलेंट और एक आपका आ गया फुलविन आ गया। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट अपन करते हैं, यही बेंजीन लेते हैं लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो 205 पे करते हैं और तब क्या फाइंड होता है उसके बारे में यहाँ पे अपन बात करते हैं। ऑलराइट, और फिर अपने टॉपिक पे जाते हैं, पहले ये बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं अपना। ओके नाउ, सो अब नॉर्मली अपन को क्या करना है, ये मैंने ले लिया नॉर्मल बेंजीन, प्यारा सा बेंजीन। ऑलराइट, और इसका जो है इरेडिएशन कर रहे अपन 205 nm पे, 205 नैनोमीटर पे इसका अपन इरेडिएशन कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से बॉन्ड अपने आप में फॉर्म होता है। तो नॉर्मली होगा कि इसमें ये जो बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे एंड इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, चलो इसका नाम देते हैं 1 2 3 4
सो ये जो इलेक्ट्रॉन वन पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन फाइव पे, ये इलेक्ट्रॉन फोर पे, कोई से भी दो बॉन्ड है उसके फेयर को आप जनरेट कर दो. ऑलराइट, सो नाउ अब नॉर्मली ये कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलेगा. ऑलराइट, सो यहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में यहां पे बॉन्ड बना सकते हैं, या जो ये जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स वो भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो तो वही हो जाएगा, बैंस बैलेंस हो जाएगा. राइट, तो वो तो नहीं करना है. तो ये इसमें कुछ आपको बॉन्ड इस तरह से आपको ये देखने को मिलता है. कुछ इस तरह से. ऑलराइट, तो ये आप कुछ, और इसको अगर और अगर देखें तो अगर मैं यहां पे देखूं कि अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, और नॉर्मली जो इनके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ ट्रांसफर हो जाएंगे. तो नॉर्मली इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, एंड ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो गया. तो ये कुछ मुझे कंपाउंड कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिल जाएगा. ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, और टू फ्री रेडिकल अपन को ऐसे कैसे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. ये कुछ इस तरह से भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है. ऑलराइट, और अगर इसका ही मैं अगर ये देखूँ कि इसके ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये भी बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो इसके आगे अपन को ये कुछ इस तरह से भी देखने को मिल जाता है. ये, और ये तो आपको पता ही है ये कौन सा बेंजीन है, इसको अपन बोलते हैं डेवार बेंजीन. ओके, ये आपका डेवार बेंजीन होगा जिसको अपन इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह से इसको अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका डेवार बेंजीन आ गया. अब एक और कंपाउंड होता है प्रिज्मेन, लाइक जैसे बेंच बैलेंस के बारे में पढ़ा अपने, फुलविंग के बारे में पढ़ा. एक और कंपाउंड होता है जो कि फोटो में, जो फोटो केमिस्ट्री की जो आइसोमराइजेशन है बेंजीन का, उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका होता है प्रिज्मेन. राइट, तो प्रिज्मेन जो कंपाउंड है वो आपका डेवार बेंजीन से फंडेड होता है. तो प्रिज्मेन कंपाउंड बनने के लिए डेवार बेंजीन के पास में पॉसिबिलिटी दो होती है, दो मैकेनिज्म के साथ में अंडरगो हो सकता है वो. तो नॉर्मली क्या होगा, मैं डेवार बेंजीन लेता हूं, राइट. अब इस डेवार बेंजीन की दो टाइप्स की रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, दोनों टाइप की रिएक्शन से वो सेम मिल जाएगा. एक तो नॉर्मली है 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एक तो 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के थ्रू भी बन सकता है, और एक जो है नॉर्मली फ्री रेडिकल से बनेगा. अब देखो पहले बात करते हैं 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन. इससे नॉर्मली क्या होगा कि ये जो है, मान लो इसको अपन नाम दे देते चले, लाइक जैसे मैं 1 नाम दिया था ना, सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सिमिलर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 राइट. सो नॉर्मली इसमें होगा क्या कि इसमें एक बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द C6 and C2 एंड बिटवीन द C5 and C3 राइट. यहाँ पे लिख सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन C6 C2 एंड और किस में हो जाएगा C5 and C3 राइट, या C3 C5 ये भी कह सकते हैं. ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा राइट. इस तरह से ये कुछ यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. तो ये जो है फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ये कुछ इस टाइप से आपको कंपाउंड देखने को मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रिज्मेन के नाम से जानते हैं. अब ये जो कंपाउंड है वो एक और वे से बन सकता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से. उसमें होता क्या कि इसके रेडिकल शो करने पड़ते पहले. तो मान लो ये रेडिकल उससे बना दिया, तो रेडिकल बनने पे ये जो बॉन्ड है कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो रेडिकल है वो ऐसे कैसे बने वो नेक्स्ट स्टेप में वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. ऑलराइट, सो ये जो है बाई रेडियल एक कंपाउंड मिल गया अपन को जिसके पास में दो रेडिकल है, और ये रेडिकल भी आफ्टर दैट ये कंप्लीट एक बॉन्ड फॉर्म शो कर लेंगे, और आपको जो है
एक प्रिज्मेन करके कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। मार्कर थोड़ा लाइट हो गया, इंक खत्म होने के बाद। आई होप आप देख पा रहे होंगे, चलो चेक करता हूँ मैं। दिख रहा है ना? या ऑल राइट, दिख तो रहा है। सो ये जो है प्रिज्मेन करके आपको एक यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट, अब ये जो प्रिज्मेन है और जो अपन ने पहले पढ़े थे फुलविन एंड बेंज वेलिन वगैरह, उस कंपाउंड्स को एज ए इंटरमीडिएट लेकर के कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है जिसमें आपका फोटोमेराइजेशन होता है। ऑल राइट, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो ये कुछ यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलता है। चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू अवर टॉपिक। ऑल राइट, सो नॉर्मली जो ऑर्थोजाइलिन होता है, जो उसका एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, राइट, इसका एग्जाम्पल जैसे ऑर्थोजाइलिन ऑन इरेडिएशन गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। ऑलराइट, सो ऑर्थोजाइलिन और इन रेडिएशन गिव द मिक्सचर ऑफ द ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। किस तरह से जाइलिन जो नॉर्मली बेंजीन रिंग हैविंग टू एल्किल ग्रुप, दैट इज ऑर्थो जाइलिन, इसका इरेडिएशन करते हैं, देन वी गेट द, अगर ये 1-2 एल्किल ग्रुप शिफ्ट है जो कि होता है किसके थ्रू, बेंज वेलिन के थ्रू, कंपाउंड्स के थ्रू होता है, तो नॉर्मली ये आपको मिल जाएगा मेटाजाइलिन, राइट। एंड ऑर्थोजाइलिन का ही अपन कर सकते हैं रिवर्सिबल में पैराजाइलिन में, अगर ये 1-3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट है CH3, और अगर आपका ये 1-3 एल्किल ग्रुप शिफ्ट होगा, मैं बताऊंगा किस तरह से सारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन उसको देखते हैं, और ये जो होगा ये हो जाएगा आपका प्रिज्मेन से, ठीक है, ये उससे भी हो सकता है और प्रिज्मेन से भी हो सकता है, ठीक है, और इससे भी अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन ये आपका हो जाएगा 1-2 एल्किल ग्रुप शिफ्ट, है ना, प्रिज्मेन और बेंज वेलिन के थ्रू यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाता है। तो ये नॉर्मली जो इसका जो रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ऑर्थोजाइलिन का जो इन द इरेडिएशन 1-2 एल्किल ग्रुप शिफ्ट वाया बेंज वेलिन एंड प्रिज्मेन, अपन मेटाजाइलिन मिल जाता है अपन को, दैट इज अ मेटाजाइलिन, और इससे ये आपको मिल जाएगा पैरा जाइलिन। तो ये किस तरह से कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन 1-2 एल्किल शिफ्ट, ओके। चलिए, सो फर्स्ट जो है अपना वो है मैकेनिज्म ऑफ 1-2 एल्किल ग्रुप शिफ्ट वाया बेंजिलिन, बेंजवेलिन, ओके। फर्स्ट लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ 1-2 एल्काइल ग्रुप शिफ्ट वाया बेंजवेलिन,
बेंज वैलिन के थ्रू, बेंज वैलिन एज अ इंटरमीडिएट, बेंज वैलिन इंटरमीडिएट राइट, बेंज वैलिन इंटरमीडिएट के थ्रू जो है ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। ओके चलो इसको कंप्लीट करते, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो नॉर्मली अपन यहाँ पे लेते हैं ऑर्थो जैलिन, ये आपका है ऑर्थो जैलिन ऑलराइट, और जब इस ऑर्थो जैलिन को ए रेडिएशन करेंगे एट 250 नैनोमीटर वेवलेंथ, नॉर्मली ये कौन सा एक्सरे स्टेट होगा, S1 होगा, और S1 में आपको कौन सा मिल रहा था, बेंज वैलिन मिल रहा था ऑलराइट। तो यहाँ पे अपन को कुछ इस तरह से बेंज वैलिन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा राइट ओके। देखो इसको अपन इस तरह से बना सकते हैं, ये इजी रहेगा फॉर अंडरस्टैंड, रीअरेंजमेंट का अंडरस्टैंड समझने के लिए ये अपना इजी रहेगा ऑलराइट। सो यहाँ पे R, आई मीन R इट मीन्स CH3, और यहाँ पे जो है CH3 ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है वो नॉर्मली यहाँ पे अपन को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ठीक है। तो ये आपका एक तरह क्या है, ये आपका है बेंज वैलिन है ऑलराइट। सो अभी नॉर्मली यहाँ पे कुछ क्या होगा, कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कुछ बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, और फाइनली अपन को यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थो से अपन को मैटर देखने को मिल जाएगा ऑलराइट ओके फाइन। सो नाउ यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे नॉर्मली होगा क्या, ये इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अभी टू जो टू नंबर का जो एल्किल ग्रुप है उसको एक्चुअली शिफ्ट करना है अपन को 3 नंबर पे ऑलराइट ओके, तभी आपका ये बन जाएगा मेटा बन जाएगा ऑलराइट। सो नॉर्मली ये जो 1, 2 है, एक तो बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो 1, 2 को ब्रेक करना पड़ेगा, और ये 3 को वापस शिफ्ट करना है, इसलिए आपको 4, 3 को भी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ऑलराइट। सो ये नॉर्मली होगा क्या, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो नॉर्मली आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, एक जब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन राइट। सो ये एक तरह का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन ऑफ रिंग ठीक है, एंड क्या हो रहा है नॉर्मली बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है, C2 C4 के बीच में हो रहा है, और एक हो रहा है C1 C3 एंड दूसरा आपका हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग किसके बीच में हो रहा है, ये आपका हो रहा है C1 C2 एंड किसका C3 C4, ये चीज है यहाँ पे हमको करने का रियल में ठीक है। देखो जब इसको अपन कर लेंगे तो नॉर्मली ये आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा राइट। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको एक्चुअली इसको अरेंज करके रखते हैं, इसको अपन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो एक नॉर्मल सा आपको बनाना है बेंजीन ठीक है, चलो ये आपका 1 नंबर पे है, 1, 6 ऐसा कैसा 6 और 5 में यह बॉन्ड बन रहा है, 5 के बाद में 4 जुड़ा हुआ है, और 4 डायरेक्ट अटैच है 2 से, और 2 अटैच है 3 से, इसलिए कर दिया बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को देख लो, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड है, 1 और 3 के बीच में बॉन्ड है, 4 2 के बीच में बॉन्ड है, 4 2 के बीच में बॉन्ड है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, 2 से CH3 जुड़ा हुआ है, 1 से CH3 है, 1 से CH3 है, ये आपका बन गया मेटा जैलिन, बड़ा सिंपल, वेरी सिंपल ठीक है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म था, 1, 2 एल्केल ग्रुप शिफ्ट वाई और बेंज वैलिन इंटरमीडिएट ठीक है। तो बेंज वैलिन इंटरमीडिएट के थ्रू अपन को ये आपको देखने को मिल जाता है, ये एज अ इंटरमीडिएट की फॉर्म में काम करता है, कैसे बनता है वगैरह वो सारा मैंने आपको बता दिया, कौन से वेवलेंथ वगैरह पे ओके रेडिएशन ऑफ द बेंजीन। तो ये आता हो गया सेकेंड मैकेनिज्म, बात करते हैं जो कि यही है मैकेनिज्म ऑफ 1, 2 एल्केल ग्रुप शिफ्ट, लेकिन उसमें जो है अपन को इंटरमीडिएट जो है वो बेंज वैलिन ना लेकर के अपन ले रहे हैं प्रिज्मन ले रहे हैं ओके। सो बेंज वैलिन ना लेकर के अपन ले रहे हैं प्रिज्मन ऑलराइट। सो सेकंड टाइप जो है प्रिज्मन
प्रिज्म, प्रिज्म भी आपको पता ही है कैसे क्या कुछ बनाते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये अपन ने ले लिया, सेती ठीक है, ऑर्थो जारी ले लिया ठीक है, और इसको जो है इरेडिएशन करते हैं एट 205, और जब 205 पे करेंगे आपको पता ही है क्या बनेगा, प्रिज्म बढ़ेगा ठीक है। इज दैट अ एस टू सेकेंड एक्साइटेशन ऑफ अ बेंजीन राइट एट द 205 वेवलेंथ। तो नॉर्मली ये जो है आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, डेवाल बेंजीन पता है ना आपको, बहुत गंदा सा बन गया ये, वापस बनाते हैं। ऑलराइट, सो ये जो है आपको फाइनली कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 नंबर दे देते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 and 6, सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 राइट। और इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं लाइक दिस, ऑलराइट, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 वन पे आपका CH3 है एंड एक आपका है 2 पे आपका CH3 है। ये कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, और इससे जो प्रिज्म है मैंने आपको दोनों मेथड पढ़ाया, साइक्लाइजेशन और फ्री रेडिकल वाला दोनों पढ़ाया, उससे आपका ये बन जाएगा प्रिज्म बन जाएगा जो कोई जो कि कुछ इस टाइप से होगा। मान लो इसको 2+2 साइक्लाइजेशन निकलवाते हैं, उसके थ्रू आपका प्रिज्म मिल जाएगा आपको। ओके 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एक तो आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एक आपका CH3 ग्रुप यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कंपाउंड मिला है प्रिज्मेन करके, अब इस प्रिज्मेन कंपाउंड से अपन को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब ये जो आप देख रहे हो अपन को क्या बनाना है, एक्चुअली अपन को बनाना है ऑर्थोजाइलिन से मेटाजाइलिन बनाना है। ऑलराइट, सो ये जो 2 नंबर का है ये आपका 3 नंबर पर आना चाहिए। ऑलराइट, सो अगर अपन इस तरह से देखें इसको, जैसे 1, 2 and 3 ऐसे काउंट अगर करें 1, 2 and 3 तो यहाँ पर ये 3 नंबर पर फाउंड हो रहा है ठीक है। मतलब इसका इस बॉन्ड का जरूरत नहीं, इस बॉन्ड को एक तो ब्रेक करना है, तो एक तो अपन ब्रेक कर लेंगे इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को एक तो ब्रेक कर लेंगे, और एक बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा नॉर्मल ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड भी यहाँ पे अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये बॉन्ड नॉर्मल यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है नॉर्मल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड न्यू फॉर्मेशन हो जाएंगे, ये पुराने वाले बॉन्ड जो है जो कुछ बॉन्ड्स हैं वो आपके ब्रेक हो जाएंगे। तो नॉर्मल यहाँ पे कुछ यू लिखना पड़ेगा अपन को कि बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो रहा है, C1, C2 and C3, C4 ठीक है, एंड दूसरा आपका है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा C2, C3 and C1, C4 ठीक है। देखो जो नॉर्मली इसमें सिंपल सा ट्रिक है, जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ना उसके क्रॉस सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे C1, C4 and C2, C3 ये जो है बॉन्ड आपके फॉर्मेशन में देखेंगे। ऑलराइट, सो इससे जो फाइनल कंपाउंड जो है अभी फाइनल होगा, इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा वापस। तो नॉर्मल पहले मैं ऐसा कैसा ये कंपाउंड बना देता ताकि समझने में ईजिली इसको अपन समझ सके। ऑलराइट, सो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ओके, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अब यहाँ पे 1, 2 बॉन्ड जो है उसका ब्रेक हो गया है, मतलब आपने 1, 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ऑलराइट, एंड दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो इस बॉन्ड को फॉर्मेशन कर लो, ये फॉर्मेशन कर लिया। एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ है इसको भी ब्रेक कर लो, और ये फॉर्मेशन हुआ है तो इसको भी फॉर्मेशन कर लो। तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल गया, और इसको जो है अपन डेवार बेंजीन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेवार बेंजीन लाइक दिस।
स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, एक काम कर, इसको मैं इसके ऊपर ही कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो इससे जो है मुझे नॉर्मली ये मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, ऑलराइट, एंड दिस इज वन वन में फोर, ओके वन फोर एंड सिक्स फाइव टू थ्री, ठीक है, यहाँ पे आपका सी एस थ्री है, ओके फाइन। सो ये कुछ आपका डेवार बेंजीन फॉर्म में है, ये है, ऑलराइट। अब इस डेवार बेंजीन से नॉर्मली अपन बेंजीन बना सकते हैं बॉन्ड शिफ्ट के थ्रू। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऑलराइट। सो सिक्स वन फोर फाइव थ्री एंड टू, ठीक है, एंड इसके बीच में डबल बॉन्ड, सिक्स टू के बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक तो सी एच थ्री ग्रुप है और दूसरा ग्रुप आपके कहाँ पे था, वन पे था, एक आपका ग्रुप यहाँ पे था, तो वन पे आपका सी एच थ्री ग्रुप था। सो वन सिक्स थ्री मतलब आपका ये मेटा, इसको बोल सकते हैं मेटा जाइलिन। तो कुछ इस तरह से आपको ये मेटा जाइलिन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ऑलराइट। सो अपन ने ऑर्थो जाइलिन लिया था, उससे आपको मिल गया मेटा जाइलिन, राइट। और एक और लास्ट रहा है, वन टू शिफ्ट हो गया है, वन टू एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो गया है, अब एक लास्ट रहा है वन थ्री, ओके। तो वन थ्री में किस तरह से करते हैं, पैरा बनाना लास्ट रहा है, तो पैरा किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ओके फाइन, चलो। सो नेक्स्ट अपन लेते हैं थर्ड टाइप मैकेनिज्म, वीडियो को पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा, बीच में से देखने पे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो आई एडवाइज यू प्लीज़ सी दिस वीडियो कम्प्लीटली। सो थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज दैट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ वन थ्री एल्केल ग्रुप शिफ्ट बाय अ प्रिज्मेटिक इंटरमीडिएट। यस, इसमें भी प्रिज्मेटिक इंटरमीडिएट लेंगे, बहुत सिंपल है, उसके जैसे सिमिलर, बस थोड़ा चेंज ये है कि इसको ईजी वे में रिप्रेजेंट करेंगे तभी ये पॉसिबिलिटी अपने साथ में आएगी। तो नॉर्मली यहाँ पे जो है मैं इसको शो करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आपका ग्रुप कोई सी एच थ्री है और ये आपका कोई अनदर सी एच थ्री है, तो ये नॉर्मली क्या है, ऑर्थो जाइलिन है, ओके। इस ऑर्थो जाइलिन का प्रिज्मेटिक शो करने का है, तो नॉर्मल 205 नैनोमीटर पे इसको अपन इरेडिएशन करेंगे और जिससे ये एस टू एक्सेलरेशन के थ्रू ये आपको फाइनल मिल जाएगा डेवार बेंजीन की फॉर्म में, राइट। तो मैं डायरेक्ट डेवार बेंजीन लिख देता हूँ, राइट। सो ये कुछ है, आपको इस तरह से डेवार बेंजीन की फॉर्म में मिल जाएगा, ऑलराइट, कुछ इस तरह से, लाइक अ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, देयर आर सी एच थ्री, देयर आर सी एच थ्री, ऑलराइट, ओके। या एक काम ये भी कर सकते हो कि मान लो ये जो है तो यहाँ से स्टार्ट कर लो ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके। सो सिक्स यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो इससे जो प्रिज्मेन है वो भी बना लेते हैं बाय द टू टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो प्रिज्मेन नॉर्मली आपका ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ओके। यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप है और यहाँ पे भी आपका सी एच थ्री ग्रुप है, राइट। सो सिक्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ऑलराइट। अब इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड कुछ बॉन्ड मेक होंगे, राइट। सो आपको पता है कि आपको एक्चुअली क्या बनाना है, पैरा बनाना है, ऑलराइट। सो अगर वन पोजीशन इसको मानो तो इसकी फोर्थ पोजीशन आनी चाहिए, राइट। सो अगर देखो इसको अगर मैं बेस ये लूँ, अगर मैं ये बेस मेन जो है इसका जो सेंटर बॉन्ड जो है वो अगर मैं ये लेता हूँ, इसका मतलब लाइक दिस, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इस तरह से बॉन्ड होगा। एक्चुअली ये जो बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। देखो वन टू थ्री फोर, तभी ये वन और फोर पे आएंगे, ऑलराइट। सो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, चलो ब्रेक करते हैं। तो नॉर्मल ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सिमिलर। सो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन, सो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो आपका हो रहा है एक तो C3C4 और एक आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है C5C6, ठीक है। और बॉन्ड
फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल यहाँ पे हो रहा है C4 C5 और एक आपका हो रहा है C6 C3। देखो वो बताया था ना जैसे C3 C4 ब्रेक हो रहा है, C5 C6 ब्रेक हो रहा है, तो इसका जो क्रॉस है वो आपका फॉर्म होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये नॉर्मली पास वाले जो है वही बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्मेशन होते हैं। ये भी आप एक आइडिया रख सकते हैं, बाकी तो आपको पता ही है किस तरह से आपको ब्रेक एंड फॉर्म करना है। ऑलराइट, सो और ये जो लिखने का तरीका जो था मेरा 1 2, ये एक तरह का इजी वे में समझने के लिए था। ऑलराइट, सो इसको ब्रेक करके जो मिल रहा है उसको अपन बना देते हैं। तो नॉर्मली ये कुछ अपन को इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो एक बार पूरा कंप्लीट बना देते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। राइट, सो 6 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3 है एंड यहाँ पे भी अनदर CH3 है। सो नॉर्मली ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा एंड ये जो बॉन्ड है जो फॉर्म हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखें तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो आपका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यह कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड जो है डेवार बेंजीन की फॉर्म में भी अपन इसको ले सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये जो है आपके डेवार बेंजीन की टाइप में ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपका CH3 या दूसरा CH3 आपका यहाँ पे है, 6 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, ले सकते हैं। और ये आपका आ गया 1 2, ठीक है। और ये आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है ये आपको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा, 1 5 4 2 3 एंड 6। और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका सेकेंड अनदर CH3, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा पैरा ज़ाइलिन। ओके, ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से आपके ये मैकेनिज्म कंप्लीट होते हैं। तो आपको तीनों मैकेनिज्म बता दिए, ऑर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन के। ओके, तो ये आपका कुछ फोटोकेमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो पे, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं। ऑलराइट, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।